चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस और पाइए सारी नोटिफिकेशंस। आसिम रियाज के बिग बॉस के घर में दोस्ती भी सबके साथ हुई, झगड़े भी काफ़ी लोगों के साथ हुए। उनमें से एक थी शेफाली जरीवाला, इनके साथ दोस्ती भी हुई और कहीं ना कहीं लास्ट में आते आते झगड़े भी हुए। अब भाई अभी तक तो ये देखने को मिला था कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच तकरार बनी हुई थी। शेफाली जरीवाला के पति ने भी रिस्पॉन्स दिया था और नेगेटिव वे में। उसको जैसे ही बिग बॉस के घर के बाहर आए तो सब कुछ हमें अब नॉर्मल दिखाई दे रहा है। शेफाली के जो पति थे उन्होंने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं आसिम के लिए हमेशा अच्छा ही चाहता हूँ। फिर शेफाली ने भी कुछ दिनों पहले कल्ला सोनानी जो सॉन्ग था और सॉरी मेरे अंगने में जो सॉन्ग था उस पर एक डांस दिखाया था, डांस किया था जो कि काफ़ी अच्छा जेस्चर था। अब हाल ही में हमें देखने को मिला कि विकास गुप्ता का और शेफाली का एक लाइव सेशन था, लाइव चैट था इंस्टा पे। वहाँ पे विकास ने पूछा कि विकास ने कहा कि आसिम वाज द ओनली कंटेस्टेंट बिग बॉस 13 हाउस टू नॉट लॉस द प्लॉट, ही वाज द मोस्ट फोकस्ड कंटेस्टेंट देन सिद्ध एंड वांट्स टू विन बैडली। शेफाली ने कहा, रिप्लाई करते हुए, यस आसिम वाज वेरी फोकस्ड। यानी कि यहाँ तक जहाँ पर हमें दिख रहा है कि फैंस वॉर अभी भी चली हुई है, काफ़ी आसिम फैंस हैं जो कि पसंद नहीं करते शेफाली को, काफ़ी शेफाली फैंस हैं जो कि अभी भी पसंद नहीं करते आसिम को। लेकिन हाँ, अगर हम आसिम और शेफाली के बीच देखें तो घर के बाहर आते ही सब नॉर्मल हो चुका है। जहाँ पे शेफाली हमें तारीफ़ करती हुई दिखाई दे रही है, कभी टिकटॉक वीडियोज़ बनाती हुई दिखाई दे रही है, कभी लाइव चैट में आसिम की तारीफ़ करती हुई दिखाई दे रही है, वहीं आसिम भी सभी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है फैंस को भी शांत हो जाना चाहिए और इनके जो रिस्पेक्ट एक दूसरे को दे रहे हैं वो फैंस को भी देनी चाहिए। वैसे आपको क्या कहना कमेंट बॉक्स में लिखें बताएं।